वो आपको एक महीना पहले मिलना चाहिए था एक हफ्ता पहले नहीं जस्ट इमेजिन अगर मैं इस समय आपको बोलता हूं कि आपने 2020 के भी क्वेश्चन नहीं करे हैं और आप वो कर लीजिए एवरी चैप्टर इफ इंपॉर्टेंटीन क्वेश्चन पेपर वर देयर सिक्सटीन क्वेश्चन ऑलमोस्ट चैप्टर्स एक हफ्ते का भी टाइम नहीं है कैन यू कवर दम एंड इन द प्रोसेस यू विल नॉट रिवाइज दैट मीन यू विल गो एंड बी ब्लैंड आउट इन दी एग्जामिनेशन प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग न्यू अनलेस एंटिल इट इज वेरी नेसेसरी मत करिए फंसेंगे कॉन्फिडेंस लूज आउट करेंगे क्यों जरूरी है लास्ट के पांच छह दिनों में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कॉन्फिडेंस लेस नर्वसनेस लेस ऑफ एंजाइटी मोर कॉन्फिडेंस दैट इज वॉट विल गिव यू योर टारगेटेड स्कोर सो थिंक पॉजिटिवली अगर आपका कम स्कोर भी बन रहा है इफ यू आर गेटिंग एट्टी टू है है है, ना यार, है ना? ना ना यार, तो नहीं होने वाला है। समझ रहे हो 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 बात so, इसीलिए आपका होना चाहिए वो वो 80 80 60 में convert ना हो जा, वो 100 के ही 80 में जाए, जाए, 100 क्योंकि जितना स्कोर है अगर 10 नंबर भी आपके कम होते हैं इट इज गोइंग टू ह्यूजली इंपैक्ट दी परसेंटाइल हेंस दी रैंक दैट सो टारगेट होना चाहिए कि मैं अगर ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा पाता हूं तो उतना ही रहे उतना तभी रहेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके जाएंगे और ठंडे दिमाग से रहेंगे अपने ऊपर फालतू का प्रेशर मत डालिए कि मुझे आउट परफॉर्म करना है मुझे कुछ मैजिक क्रिएट करना है कोई मेरी हेल्प कर देगा थिंक लॉजिकली आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो एटलीस्ट थोड़ी तो साइंस लॉजिकली भी लगा लो ठीक है कोई भी कुछ भी बोल देगा आप मान लेते हैं नहीं प्लीज रिलैक्स योर सेल्फ काम मन कंपोज रहिए आपको पता है मेरी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है इस बार इतना ही करूंगा अगले बार और इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दूंगा मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है एडवांस की तैयारी करूंगा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड आई विल कंक्लूड सर मॉक टेस्ट का क्या करें मॉक टेस्ट डेली दें क्या डेली देने की कोई अभी भी जरूरत नहीं है जितनी लर्निंग थी वो आप निकाल चुके हैं मॉक टेस्ट का इस समय लास्ट के पांच छह दिनों में सिर्फ पर्पस होता है आपकी बॉडी साइकिल जो है आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से काम करनी शुरू कर दे तो अगर आप मॉक नहीं देना चाहते तो यू मेक श्योर कि जो आपका स्लॉट है आप उस स्लॉट में जरूर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो जो मैंने बायोलॉजिकल साइकिल के ऊपर वीडियो बनाया था उसको जरूर देखें जिससे आपका यह काम जरूर मेंटेन हो रेस्ट यू जस्ट हैव टू मेक श्योर रिवाइज रखिए पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव चीजें देखिए ज्यादा पढ़ाई करने की भी कुछ जरूरत नहीं है कि आपके मैं ज्यादा पढ़ लूंगा बहुत कुछ हो जाएगा नहीं होने वाला स्टे काम स्टे कंपोज एटलीस्ट दस मार्क्स की इंप्रूवमेंट उसी से होगी और कुछ करने से नहीं होगी तो प्लीज जो पढ़ा है वही करिए कंपोज रहिए रिलैक्स रहिए पॉजिटिव रहिए दैट इज वॉट यू हैव टू डू इन द लास्ट फाइव टू सिक्स डेज